हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं मसालों के बारे में। अगर आप मसालों के बारे में अधिक ज्ञान रखते हैं फिर भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या पता आपको भी कुछ नया ज्ञान बटोरने को मिल जाए। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मसाला की परिभाषा क्या होती है। मसाला कहते किसे हैं? भोजन को चटपटा, खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के बीज, फल, छाल और पौधों के जड़ों को भोजन में, मतलब सब्जियों में, अनुपात के अनुसार मिलाया जाता है तो उसे मसाला कहते हैं, जो व्यंजनों में चार चांद लगा देते हैं। खुशबू के मामले में, टेस्ट के मामले में और दिखने में भी अलग दिखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मसाला कहाँ पाए जाते हैं? तो मसाला भारत में पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, 80 मसालों के नाम बताइए। तो चलिए मसालों के नाम जानते हैं उनके चित्रों के साथ। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने बच्चों अथवा छोटे भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि यह बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम सभी को मसालों के बारे में, उनके नाम के बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश विश्व में मसालों के देश के नाम से प्रसिद्ध है। लौंग, लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, CLOVE, क्लोव। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को इंग्लिश में कोरिएंडर पाउडर कहते हैं, CORIANDER, कोरिएंडर, PODER, पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। जीरा, जीरा को इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं, CUMIN, क्यूमिन, SEEDS, सीड्स, क्यूमिन सीड्स। लहसुन, लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, GARLIC, गार्लिक। छोटी इलायची, छोटी इलायची को इंग्लिश में ग्रीन कर्डमम कहते हैं, GREEN, ग्रीन, CARDAMOM, कर्डामोम, ग्रीन कर्डामोम। तेज पत्ता, तेज पत्ता को इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं, BAY, बे, LEAF, लीफ, बे लीफ। काली मिर्च, काली मिर्च मतलब गोल की, काली मिर्च को इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं, BLACK, ब्लैक, PEPPER, पेपर। कचरा, कचरा को करेर भी कहते हैं, कचरा को इंग्लिश में कैपिर्स कहते हैं, CAPERS, कैपिल्स। काली तिल के बीज, काली तिल के बीज को इंग्लिश में ब्लैक सेसमी सीड्स कहते हैं, BLACK, ब्लैक, SESAME, सेसमी, SEEDS, सीड्स, ब्लैक सेसमी सीड्स। काला नमक, काला नमक को इंग्लिश में ब्लैक सॉल्ट कहते हैं, BLACK, ब्लैक, SALT, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। काला जीरा, काला जीरा को इंग्लिश में ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहते हैं, BLACK, ब्लैक, CUMIN, क्यूमिन, SEEDS, सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड्स। काली इलायची, काली इलायची को बड़ी इलायची भी कहते हैं, काली इलायची को इंग्लिश में ब्लैक कर्डामोम कहते हैं, BLACK, ब्लैक, CARDAMOM, कर्डामोम, ब्लैक कर्डामोम। तुलसी के बीज, तुलसी के बीज को इंग्लिश में बासिल सीड्स कहते हैं, BASIL, बासिल, SEEDS, सीड्स, बासिल सीड्स। तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियों को इंग्लिश में बासिल लीव्स कहते हैं,
BASIL बासिल, LEAVES लिप्स बासिल लिप्स। अजमोद नमक, अजमोद नमक को इंग्लिश में कैलरी सॉल्ट कहते हैं, CELERY कैलरी, SALT सॉल्ट कैलरी सॉल्ट। काजू, काजू को इंग्लिश में कैस्यू नट कहते हैं, CASHEW कैस्यू, NUT नट कैस्यू नट। दालचीनी, दालचीनी को इंग्लिश में सिनेमन स्टिक कहते हैं, CINNAMON सिनेमन STICK स्टिक सिनेमन स्टिक। कबाब चीनी को कबाब पेपर कहते हैं इंग्लिश में, CUBEB कबाब, PEPER पेपर कबाब पेपर। करी पत्ते, करी पत्ते को इंग्लिश में करी लिप्स कहते हैं, CURRY करी, LEAVES लिप्स करी लिप्स। नारियल का बुरादा को इंग्लिश में ड्राई कोकोनट पाउडर कहते हैं, DRY ड्राई, COCONUT कोकोनट, POWDER पाउडर ड्राई कोकोनट पाउडर। सूखा नारियल को इंग्लिश में ड्राई कोकोनट कहते हैं, DRY ड्राई, COCONUT कोकोनट ड्राई कोकोनट। मेथी के सूखे पत्ते को ड्राई फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं, DRY ड्राई, FENUGREEK फेनुग्रीक, LEAVES लीव्स ड्राई फेनुग्रीक लीव्स। सूखी अदरक को इंग्लिश में ड्राई जिंगर कहते हैं, DRY ड्राई, GINGER ड्राई जिंजर। सूखा आंवला को इंग्लिश में ड्राई गूसबेरी कहते हैं, DRY ड्राई, GOOSEBERRY गूसबेरी ड्राई गूसबेरी। आमचूर पाउडर को इंग्लिश में ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं, DRY ड्राई, MANGO मैंगो, POWDER पाउडर। सूखा पुदीना को इंग्लिश में ड्राई मिंग कहते हैं, DRY ड्राई, MING मिंग ड्राई मिंग। हरड़ को इंग्लिश में मैरोबेलन कहते हैं, MYROBALAN मैरोबेलन। अनार के सूखे बीज को इंग्लिश में ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स कहते हैं, DRY ड्राई, POMEGRANATE पोमेग्रेनेट, SEEDS सीड्स ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स। सौंफ को इंग्लिश में फिनेल सीड्स कहते हैं, FENEL फिनेल, SEEDS सीड्स फिनेल सीड्स। अलसी का बीज को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं, FLAX फ्लैक्स, SEED सीड फ्लैक्स सीड। माजू फल को इंग्लिश में गैलनेट कहते हैं, GALNUT गैलनेट। लहसुन पाउडर को इंग्लिश में गार्लिक पाउडर कहते हैं, GARLIC गार्लिक, POWDER पाउडर गार्लिक पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट को इंग्लिश में जिंजर गार्लिक पेस्ट कहते हैं, GINGER जिंजर, GARLIC गार्लिक, PASTE पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक पाउडर को इंग्लिश में जिंजर पाउडर कहते हैं,
GINGER, जिंजर PODER, पाउडर, जिंजर पाउडर। कतीरा गोंद, कतीरा गोंद को इंग्लिश में गम ट्रैंकेंथ कहते हैं, GUM, गम, TRAGACANTH, गम ट्रैंकेंथ। मजीट, मजीट को इंग्लिश में मेडर कहते हैं, MADER, मेडर। मुलेठी, मुलेठी को इंग्लिश में लिकोर्निस कहते हैं, LICORIC, लिकोरिस। पिपली, पिपली को इंग्लिश में लॉन्ग पेपर कहते हैं, LONG, लॉन्ग, PEPPER, पेपर, लॉन्ग पेपर। जावित्री, जावित्री को इंग्लिश में मैस कहते हैं, MACE, मैस। मेथी बीज, मेथी बीज को इंग्लिश में फिनोग्रीक सीड्स कहते हैं, FENUGREEK, फिनोग्रीक, SEEDS, सीड्स, फिनोग्रीक सीड्स। सरसों का तेल, सरसों का तेल को इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, MUSTARD, मस्टर्ड, OIL, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों, सरसों को हिंदी में राई भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं, MUSTARD, मस्टर्ड, SEEDS, सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। कलौंजी, कलौंजी को इंग्लिश में नीगिला सीड्स कहते हैं, NIGELLA, नीगिला, SEEDS, सीड्स, नीगिला सीड्स। रामतिल, रामतिल को इंग्लिश में नाइजर कहते हैं, NIGER, नाइजर। जायफल, जायफल को इंग्लिश में नटमेग कहते हैं, NUTMEG, नटमेग। प्याज का पाउडर, प्याज का पाउडर को इंग्लिश में ऑनियन पाउडर कहते हैं, ONION, ऑनियन, PODER, पाउडर, ऑनियन पाउडर। अजवाइन के पत्ते, अजवाइन के पत्ते को ऑर्गेनो कहते हैं, OREGANO, ऑर्गेनो। लाल शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च को इंग्लिश में पापरिका कहते हैं, PAPRIKA, पपरिका। चिलगोजे, चिलगोजे को इंग्लिश में पाइन नट्स कहते हैं, PINE, पाइन, NUTS, नट्स, पाइन नट्स। अनार के बीज के पाउडर, अनार के बीज के पाउडर को इंग्लिश में पोमीग्रेनेट सीड्स पाउडर कहते हैं, POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट, SEEDS, सीड्स, POWDER, पाउडर, पोमीग्रेनेट सीड्स पाउडर। खसखस, खसखस को इंग्लिश में पोपी सीड्स कहते हैं, POPPY, पोपी, SEEDS, सीड्स, पोपी सीड्स। लाल मिर्च फ्लैक्स, लाल मिर्च के जो गोटे बीज होते हैं उसे कहते हैं लाल मिर्च फ्लैक्स, इसे इंग्लिश में रेड चिल्ली फ्लैक्स कहते हैं, RED, रेड, CHILI, चिल्ली, FLAKES, फ्लैक्स, रेड चिल्ली फ्लैक्स। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च के पाउडर को इंग्लिश में रेड चिल्ली पाउडर कहते हैं, RED, रेड, CHILI, चिल्ली, POWDER, पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। लाल मिर्च, लाल मिर्च को इंग्लिश में रेड चिल्ली कहते हैं, RED, रेड, CHILI, चिल्ली, रेड चिल्ली। सेंधा नमक, सेंधा नमक को इंग्लिश में रॉक साल्ट कहते हैं, ROCK, रॉक, SALT, सॉल्ट, रॉक साल्ट। गुल मेहंदी, गुल मेहंदी को इंग्लिश में रेसमेरी कहते हैं, RASEMARY, रेसमेरी। केसर, केसर को इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं,
SAFFRON, सेफ्रॉन। नमक, नमक को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, SALT, सॉल्ट। सेजवान काली मिर्च, सेजवान काली मिर्च को इंग्लिश में सेजवान पेपर कहते हैं, SAHEZWAN, सेजवान, PEPER, पेपर, सेजवान पेपर। चक्रफूल, चक्रफूल को इंग्लिश में स्टार एनर्जी कहते हैं, STARANISE, स्टार एनर्जी। चिरियता, चिरियता को इंग्लिश में स्वेटरिया कहते हैं, SWERTIA, स्वेटरिया। इमली, इमली को इंग्लिश में टमराइंड कहते हैं, TAMARIND, टमराइंड। नागदोना, नागदोना को इंग्लिश में ट्रेगोन कहते हैं, TARRAGON, ट्रेगोन। चाय पत्ती, चाय पत्ती को इंग्लिश में टी लीफ कहते हैं, TEATLEAF, लीफ, टी लीफ। अजवाइन के फूल, अजवाइन के फूल को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, THYME, टाइम। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को इंग्लिश में टर्मेरिक पाउडर कहते हैं, TURMERIC, टर्मेरिक, POWDER, पाउडर, टर्मेरिक पाउडर। सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च को इंग्लिश में वाइट पेपर कहते हैं, WHITE, वाइट, PEPER, पेपर, वाइट पेपर। सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल को इंग्लिश में वाइट सेसमे सीड कहते हैं, WHITE, वाइट, SESAME, सेसम, SEEDS, सीड्स, वाइट सेसम सीड्स। खमीर, खमीर को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, YEAST, ईस्ट। हरी मिर्च, हरी मिर्च को इंग्लिश में ग्रीन चिल्ली कहते हैं, GREEN, ग्रीन, CHILI, चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। बादाम, बादाम को इंग्लिश में एलमंड कहते हैं, ALMOND, एलमंड। आरारोट चूर्ण, आरारोट चूर्ण को इंग्लिश में आरारोट पाउडर कहते हैं, ARROWROT, आरारोट, POWDER, पाउडर, आरारोट पाउडर। हींग, हींग को इंग्लिश में एस्फोटिडा कहते हैं, ASAFOETIDA, एस्फोटिडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को इंग्लिश में बेकिंग सोडा ही कहते हैं, BAKING, बेकिंग, SODA, सोडा, बेकिंग सोडा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा शेयर की गई मसालों से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।